रामानीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मैं बहुत ही बेसिक आलू की टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ आलू की टिक्की विद चाट, यानी कि आलू की टिक्की वाली चाट और आलू की टिक्की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलू की टिक्की प्रिपेयर करनी है। तो इसके लिए मैंने चार आलू जो है ऑलरेडी बॉयल करके मैश कर लिए हैं इस बाउल में। एक मैंने एग लिया है और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें नमक, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली का पाउडर, क्यूमन का पाउडर, कोरिएंडर का पाउडर और साबुत जीरा। यहाँ मैंने अनियन लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है, 3 से 4 टेबलस्पून जो है कोरिएंडर है, और एक हरी मिर्च मैंने चॉप की हुई है, और 2 टेबलस्पून जो है वो पुदीने मंट लीव्स है। तो अभी हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं आलू में, और इनको हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग रेडी करके तो टिक्की हम बना लेते हैं। ये देखिए आलू की स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है, तब भी हम इनकी टिक्की हम बना लेते हैं। इसको हाथ में लेकर जितना भी आपको साइज चाहिए उसके मुताबिक आप इसको गोल गोल शेप बना लें। ये देखिए ये आलू की टिक्की बिल्कुल रेडी है। तो इसी स्टाइल में मैं और भी बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारी टिक्कियों को रेडी कर लिया हुआ है और अभी हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल और इसके गर्म होने पर मैं टिक्कियों को फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो अभी हम इसको एग वॉश में टिक्की को पहले डिप करेंगे, यानी कि जो मैंने एग का मिक्सचर रेडी किया है इनको बीट करके। तभी हम इसको वन बाय वन ऑयल में डाल देंगे और इनको गोल्डन होने तक मैं करूँगी एक साइड से, तो मैं इसको 3-4 कर। ये अच्छी गोल्डन हो गई एक साइड से, दूसरे को भी हम उसी तरह कर लेते हैं और फिर हम 2 मिनट तक की दूसरी साइड से गोल्डन होने तक इनको फ्राई करते हैं। रखें दूसरी साइड पे भी इसको मैंने 2 मिनट तक गोल्डन होने तक कुक किया। तो ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी हैं, इनकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। और बाकी की सारी भी फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू की टिक्की को हरी चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसको टमाटर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आलू की टिक्की को सर्व कर लिया, बहुत ही मजे की बनी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। आपको प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की आलू की टिक्की की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आलू की टिक्की से 2 तरह की चाट बनाते हैं, यानी कि हम इसकी सैमलिंग शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा और फैंसी कर। अब हम टिक्की चाट की जो है सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी पैसे के, कोई भी आप जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी मैं एक टिक्की और इसमें डालेंगे इसके कुछ और वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपको टॉपिंग डालनी है। इसमें डाल दूंगी अनियन चॉप
रखी हूँ टमाटर। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली, वो हमने बारीक चॉप कर ली हुई है। इसमें डालेंगे हम ग्रीन चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी, और मैं डाल दूँगी साथ में इमली की चटनी। ये आपने मेरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, ये आप वो भी देख सकते हैं। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी इस पर चाट मसाला, स्प्रिंकल करेंगे। और ये जो हमारी टिक्की की चाट है ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। तभी मैं आपको एक और तरह की बना कर दिखाती हूँ। अब हम एक और प्लेट में एक और तरह की आलू की टिक्की की चाट की सर्विंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने पोटैटो चिप्स डाल दी है। जो भी आपके पास प्रिंगल्स हैं, क्रिस्प जो भी तरह के हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इस पर डालूँगी योगर्ट। इसमें रखेंगे हम टिक्की पोटैटो और थोड़ा सा मसाला। ये भी बिल्कुल ऑप्शन है अगर आप नहीं वाला यूज़ करना। अब डालूँगी मैं योगर्ट। चैनल चिक पीस, इसमें जाएंगे वेजिटेबल्स जिसमें अनियन भी है, टमाटर भी है। इनके लिए हम चॉप करते थे, इसमें थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे हम ग्रीन चटनी, यानी कि हरे धनिया पुदीने की जो चटनी है वो डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम इमली की चटनी। इसमें अब डालेंगे हम टू चाट मसाला, से इसकी गार्निश कर देंगे। ये हमारी मजे की आलू की टिक्की की चाट रेडी है। इसको मैं स्प्रिंकल कर लेती हूँ क्रिस्प के साथ। ये मैंने टू टाइप्स बना के दिखाई है, आप जो भी आपके दिल करे आप कर सकते हैं ट्राई। यहाँ मैंने आलू की टिक्की की चाट को दोनों तरह एक समोसे के साथ और एक आलू की टिक्की के साथ बनाया। दोनों को मैंने सर्व कर लिया है। बहुत ही मजे की लग रही है, बहुत ही क्विक रेसिपी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। यहाँ मैंने आलू की टिक्की की चाट को सर्व कर लिया हुआ है। बहुत ही मजे की बनी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआएं याद रखिएगा।